23 मार्च 1931, सभी को याद है कि क्या हुआ था उस दिन। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। 8 अप्रैल 1929 भी शायद नहीं भूले होंगे आप कि क्या हुआ था उस दिन। शहीद भगत सिंह और पटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका गया था। पर क्या आपको पटुकेश्वर दत्त के बारे में पता है? आजादी की लड़ाई में भगत सिंह को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि देश के लिए आजादी का जुनून और आजादी की चाहत उनकी रगों में दौड़ती थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कई नई तरीकों का इस्तेमाल किया। ऐसा ही एक अनोखा तरीका था असेंबली में बम फेंकना, जिसमें भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी दोस्त बटुकेश्वर दत्त के साथ इसे किया था। बटुकेश्वर दत्त, जिन्हें पीके दत्त, बट्टू और मोहन, जो कुष्ठ बिहारी दत्त के पुत्र हैं, दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को गांव औरी, खंडघोष, जिला बर्दवान में बंगाली कास्ट परिवार में हुआ था। उनकी स्नातक स्तर की पढ़ाई पीपीएन कॉलेज कानपुर में पूरी हुई। वह स्वतंत्रता सेनानियों चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के करीबी सहयोगी थे। 1924 में उनकी मुलाकात कानपुर में भगत सिंह से हुई। कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए काम करते हुए उन्होंने बम बनाना सीखा। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली नई दिल्ली में भगत सिंह और पीके दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पेश करते हुए बम फेंके थे। बम विस्फोट किसी को भी चोट पहुंचाए बिना किया गया था, केवल शब्द को पत्रक के माध्यम से फैलाने के लिए। इस घटना के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जून 1929 को दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र का मामला बरकरार रखा गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई गई थी। बटुकेश्वर दत्त को सेलुलर जेल में काले पानी की सजा दी गई। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद वह 1945 में रिहा हुए। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्होंने नवंबर 1947 में अंजलि दत्त से शादी कर ली और उन्होंने अपना शेष जीवन राजनीतिक मर्यादा से दूर गरीबी में बिताया। इस ऑल आउट क्रांतिकारी का अंतिम जीवन दर्दनाक और दुखद है। लंबी बीमारी के बाद 20 जुलाई 1965 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार पंजाब के फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला में किया गया, जहां उनके अन्य क्रांतिकारी साथियों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की समाधि स्थल है। उनकी एक बेटी है भारती बागची, जो पटना में रहती है। हाँ, दिल्ली में दीपी के दत्त कॉलोनी में सफदरजंग हवाई अड्डे के सामने और चोर बाग से सटे एक प्रमुख स्थान पर स्थित है। इसका नाम दत्त के नाम पर ही रखा गया है। यह NDMC क्षेत्र में एम्स के पास की निकटतम निजी आवासीय कॉलोनी है।